गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस ने दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी कर रहे थे। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों ने रिप्पल फ्यूचर नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई थी और लोगों से ऑनलाइन ठगी करते हुए जांच में सामने आया है कि लोगों को बिटकॉइन में पैसे लगाने और रोज उस पर इंटरेस्ट देने का झांसा दिया गया था। पुलिस के मुताबिक 50 से ज्यादा लोग दिल्ली NCR और राजस्थान से सामने आ चुके हैं जिनके साथ करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया जा चुका है। क्रिप्टो करेंसी एक चीज होती है, ऑनलाइन करेंसी होती है जिसमें ट्रेस इसका रखना मुश्किल हो जाता है। जो बिटकॉइन के टाइम पर की टाइप की दूसरी करेंसी है रिपल कॉइन होता है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन के बेसिस पे कॉइन होता है। तो इसी के आधार पर इन लोगों ने जो गिरफ्तार उन्होंने किए, इन्होंने रिपल फ्यूचर नाम से कंपनी बनाई हुई थी, कई लोग इन्होंने मेंबर बनाए हुए थे और इन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था कि तुम आप और मेंबर बनाओगे तो उन मेंबरों का जो प्रॉफिट होगा उसका प्रतिशत भी आपको दिया जाएगा। तो कुछ महीने ही हुए थे इन्होंने वेबसाइट बनाए हुए, ये ऑफर करते थे पर डे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर की क्या करते थे, यदि आप $50,000 इन्वेस्ट इसमें करोगे तो फिर कुछ ही दिनों में 7-8 दिनों में ही आपको $70,000 हो जाएंगे। इस टाइप का ये फिक्स्ड रिटर्न्स प्रॉमिस किया करते थे पर किसी को इन्होंने पैसे लौटाए नहीं। शुरू में कुछ लोगों को पैसे लौटाए तो बाद में ऐसे काफी पीड़ितों ने हम लोगों से संपर्क किया। राजस्थान में भी ऐसा मुकदमा लिखा हुआ है, पूर्व में ये नोएडा से भी जेल जा चुके हैं। कुल अभी 40-50 पीड़ित जो हैं पुलिस के संपर्क में आ चुके हैं जिससे करोड़ों रुपए की इन्होंने ठगी इसमें कर ली है। सूत्रों की माने तो अभी इस मामले में कई और लोग भी शामिल हैं जो विदेश में बैठे हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर इंटरनेट पर कोई सामान्य से ज्यादा इंटरेस्ट देने या लाभ देने की बात करता है तो लोग इन्वेस्ट करने से पहले जांच परख लें। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।